सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल टेक विद संजय को और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए और ऑल पर सेट कर दीजिए ताकि इसी तरह का वीडियो आपको हमेशा मिलता रहे। नमस्कार दोस्तों, तो फिर से हम लोग आ गए हैं और एक नई वीडियो के साथ। तो आज हम लोग बात करेंगे ऐप कॉइन वॉलेट के बारे में। जो लोग मोबाइल लेजेंड में रिचार्ज कर नहीं पा रहे हैं या फिर ऐप कॉइन में कोई इशू आ रहा है या फिर आपको रिचार्ज नहीं हो पा रहा है, तो मैं उसके बारे में दिखाऊंगा आपको किस तरह से करना है। तो फटाफट से चलते हैं ऐप कॉइन वॉलेट में और ऐप कॉइन को आपको ओपन कर लेना है सबसे पहले। और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो क्या है, आपको ऐप कॉइन वॉलेट जो है आपको एक बार प्ले स्टोर में जाकर, चलिए मैं प्ले स्टोर में जाकर आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपको सर्च करना है ऐप कॉइन, ठीक है, ऐप कॉइन वॉलेट, ओके। तो यहाँ पर देखिए अपडेट नहीं है, अगर अपडेट आया हुआ है तो भाई आपको अपडेट कर लेना है सबसे पहले। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है अपडेट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा। उसका बाद आपको करना क्या है, सिंपली आपको टॉपअप पर क्लिक कर देना है। नीचे में आपको टॉपअप का ऑप्शन आएगा, टॉपअप पर क्लिक करना है और आपको जितना अमाउंट का यहाँ पर डालना है आप यहाँ पर डाल सकते हो। तो यहाँ पर मैं एग्जांपल यहाँ पर 400 डाल देता हूँ। 400 जो है मैं यहाँ पर रिचार्ज करना चाहता हूँ। यहाँ पर आपको जो है ऑप्शन मिल जाएगा पेपाल का, पेटीएम का और ओके पेटीएम यूपीआई के भी ऑप्शन यहाँ पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। अभी मैं फ़िलहाल जो है मैं आपका क्रेडिट कार्ड दिखाऊंगा, क्रेडिट कार्ड से आपको किस तरह से किया जाता है। तो क्रेडिट कार्ड जो है ये क्रेडिट कार्ड नहीं होने से भी हो जाएगा, आपके पास अगर डेबिट कार्ड है तो भी हो जाएगा। तो सिंपली आपको यहाँ पर क्रेडिट कार्ड पर क्लिक कर देना है, उसके बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करोगे तो भाई यहाँ पर ऑलरेडी मेरा जो कार्ड जो है वो एंटर है, मैंने यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर डाला हुआ है, ठीक है। ये मेरा कोई क्रेडिट कार्ड नहीं है, ये मेरा डेबिट कार्ड है, ठीक है। तो आपको सिंपली जो है आपका डेबिट कार्ड का जो पीछे में जो 3 डिजिट का नंबर होगा, आप अगर क्रेडिट कार्ड अपना पीछे में देखोगे तो वहाँ पर आपको 3 डिजिट का एक नंबर मिलेगा। तो वही 3 डिजिट जो होता है आपका CVV या फिर CVC ये नंबर होता है, ठीक है। तो आपको वो 3 डिजिट यहाँ पर डाल देना है, उसके बाद आपको टॉपअप कर देना है, ओके। तो यहाँ पर मैंने डाल दिया है और डालने के बाद देखिए, जैसे ही मैंने डाल दिया है तो जैसे ही मैंने कोड डालकर टॉपअप कर दिया है तो जैसे उसका बाद ही जो है यहाँ पर मेरा जो ऐप कॉइन जो है ये मेरा रिचार्ज जो है सक्सेसफुल हो चुका है। अभी अगर मैं यहाँ पर चेक करूँगा तो देखिए यहाँ पर मेरा पास बैलेंस जो है 29 था, अभी जो है 477 हो गया है। मतलब जो है मुझे यहाँ पर बोनस भी मिल चुका है और साथ ही साथ जो है मेरा यहाँ पर बैलेंस भी आ चुका है। तो यहाँ पर आ गया, मतलब आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको अपना मोबाइल लेजेंड एप्लीकेशन पर चले जाना है। तो यहाँ पर मैं अपना मोबाइल लेजेंड एप्लीकेशन पर चले जाता हूँ और आपको दिखाता हूँ किस तरह से आपको रिचार्ज करना है, ठीक है। कुछ भी नहीं करना है, कोई भी लिंक नहीं करना है। अगर आपका पास अपना ऐप कॉइन वॉलेट है तो भाई ऑटोमेटिक जो है मोबाइल लेजेंड उसको जो है वेरीफाई कर लेता है, पकड़ लेता है और आपको सिंपली जो है वहाँ से रिचार्ज करने का ऑप्शन देता है, ठीक है। तो ये मेरा जो है गेम ओपन हो रहा है। तो यहाँ पर जैसे ही मैं गेम ओपन करूँगा तो उसका बाद जो है ओके इसको अपन काट देते हैं और थोड़ा सा वॉल्यूम कमती कर लेते हैं, ठीक है। अभी आप यहाँ पर डायमंड पर चाहिए, यहाँ पर जो आपको डायमंड का ऑप्शन दिखाई दे रहा है यहाँ पर आपको प्लस पर क्लिक कर देना है। प्लस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर देखिए मैं 250 का डायमंड रिचार्ज करना चाहता हूँ। तो 250 में यहाँ पर क्लिक करता हूँ, 250 का शायद ऐसा ही कुछ होगा, 400 या फिर होगा या देख लेते हैं एक बार। तो 250 का यहाँ पर 400 800 शायद यहाँ पर निकल रहा है मेरा, ओके। तो ये मेरा रिचार्ज हो जाएगा। यहाँ पर देखिए आप देख सकते हो कि भाई यहाँ पर जो है मेरा बाय का ऑप्शन यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। ऐप कॉइन क्रेडिट यहाँ पर दिखा रहा है, मतलब मेरा ऐप कॉइन वॉलेट पर जो है बैलेंस है। तो यहाँ पर मैं 380 रुपीज़ जो है मैं इसको रिचार्ज कर सकता हूँ। तो मेरा पास 400 से ज़्यादा था तो यहाँ पर 380 मांग रहा है, तो मैं 380 का बाय कर लेता हूँ। जैसे ही मैं बाय करूँगा तो ये जो है मेरा डायमंड जो है बाय हो जाएगा और मेरा अकाउंट में जो डायमंड आ चुका है, देखिए ये डन हो चुका है। और यहाँ पर ऊपर में भी आप देख सकते हो मेरा डायमंड जो है ये क्रेडिट हो चुका है। इस तरह से जो है आप अपना डायमंड जो है बाय कर सकते हो बहुत ही आसान तरीके से। कुछ भी नहीं करना है आपको, सिंपली जो है मैंने जो एप्लीकेशन बोला है ऐप कॉइन एप्लीकेशन उसको आपको इंस्टॉल कर लेना है। और इंस्टॉल करने के बाद जो है आपको सिंपली यहाँ पर जिस तरह से मैंने टॉपअप किया है, नीचे में आपको टॉपअप का ऑप्शन मिल जाएगा, टॉपअप किया है तो आपको टॉपअप कर लेना है और आपका डेबिट कार्ड जो है वो डाल देना है। या फिर आप चाहते हो तो पेटीएम से भी कर सकते हो, पेटीएम से भी जो है आपका हो जाएगा। यहाँ पर देखिए पेटीएम का भी ऑप्शन यहाँ पर आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो पेटीएम भी आप यहाँ पर कर सकते हो और साथ ही साथ जो है बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है। और यहाँ पर पेटीएम UPI भी आप डाल सकते हो, अगर आपका पास पेटीएम का UPI है तो वो भी आप यहाँ पर डाल सकते हो डायरेक्ट अपना पेटीएम पर। अगर आप क्रेडिट है तो आप वहाँ से भी रिचार्ज कर सकते हो।
तो बहुत ही सिंपल सा है, इतना कुछ ज़्यादा परेशान होने का ज़रूरत नहीं है। अगर कुछ भी इशू हो रहा है तो आप मुझे कांटेक्ट करना, मैसेज करना, या फिर आप मुझे कमेंट डाउन करो, मैं आपको जो रिप्लाई करूँगा। और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि इसी तरह का वीडियो आपको आगे भी मिलता रहे। और वीडियो बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।